और बिलाशुबा मुमताज़ बेगम डिज़र्व करती हैं। आने का मतलब ये है कि सब उनसे मोहब्बत करते हैं आज भी। हमारी दुबई चलो, सोरत जुआई, नौकर ते मालिक, दिलां दे सौदे, इतनी फिल्में थी कि लोग हमें अक्सर समझते थे हम दोनों बहनें हैं। एक खूबसूरत मौका है जहाँ पे सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होके और उनके फन के बारे में उनको इनकरेज किया जा रहा है। और मुमताज़ बेगम फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मुमताज नाम है, बहुत सारा काम किया उन्होंने। लाहौर में फिल्म स्टार मुमताज़ बेगम के एजाज़ में एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों ने शिरकत की। हिदायतकारा संगीता बेगम इस वक्त बड़ी गर्मजोशी से मुमताज़ बेगम से मुलाकात कर रही हैं और वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि अदाकारा मीरा भी मौजूद हैं। इसके अलावा गुलकार आरिफ लोहार भी इस तकरीब में खुसूसी तौर पर पहुंचे और एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने स्टेज पर दी। पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो भी आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। और ये जो तकरीब थी ये कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा हॉल में मुनक़िद हुई। बड़ी ज़बरदस्त और शानदार तकरीब लाहौर में ये मुनक़िद की गई और इस टाइम मुमताज़ बेगम और संगीता जो हैं वो स्टेज पर जाने के लिए रवाना हो रही हैं। स्टेज की एंट्री आप देखिए। शानदार वेलकम किया जा रहा है मुमताज बेगम का। ब्रावो जान अदा के बाद ले जनाब उनके हीरो भी आ गए हैं। जनाब स्टेज पर फिल्म स्टार शाहिद भी पहुंच चुके हैं दिल और दुनिया, ब्रावो जान अदा एहसास, और मुमताज बेगम से मुलाकात कर रहे हैं। दुर्दाना रहमान भी स्टेज पर आपको नजर आ रही होंगी, सैयद नूर हिदायतकार, इसके अलावा अदाकार अशरफ खान भी स्टेज पर नजर आ रहे हैं आपको। बड़ा वार्म वेलकम जिसका जवाब जो है वो मुमताज बेगम दे रही हैं। आपके साथ मोहब्बतों का इजहार किया, एहसास से वेलकम कीजिए। दुर्दाना रहमान यकीनन अपने साथ जो इनका फिल्मी करियर रहा, फिल्मी साथ रहा, वो डिस्कस कर रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन, हिदायतकार सूदी भट्ट भी स्टेज पर आ चुके हैं और मुमताज़ बेगम से मुलाकात कर रहे हैं। मदाह जो हैं इस वक्त स्टेज पर आ चुके हैं सारे और तमाम लोगों की कोशिश है कि मुमताज़ बेगम से मुलाकात करके उनके साथ एक तस्वीर बनवा ली जाए। शाहिद हमीद साहब मैं जी सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला ख़ास तौर पर मेरे लिए। और लाहौर जो ठाकुर साहब जो हैं उन्होंने इसको शो को इवेंट को बनाया, लेकिन जितने भी आर्टिस्ट आए हैं, प्रोड्यूसर्स आए हैं, डायरेक्टर्स आए हैं, मेरे मुल्क के, मेरे इंडस्ट्री के वो लेजेंड और सुपरस्टार्स हैं और मैं उनके सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मुझसे उनके बारे में, जो कि अल्लाह ऐसी शख्सियत जो कि स्टार है हमारी, और हम क्या कहते हैं कि स्टार के लिए क्या सोचा जा सकता है, तो बड़ी अच्छी बात है ट्रिब्यूट देना ऐसे आर्टिस्ट को जो कि धरती की पहचान हो। और आज बड़ा एक खूबसूरत मौका है जहाँ पे सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होके और उनके फ़न के बारे में उनको इनकरेज किया जा रहा है और उनके लिए हौसला अफजाई की जा रही है। और और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार मुमताज़ बेगम और एक बड़ी स्टार के लिए बड़े इदारों ने तकरीब ऑर्गेनाइज़ की है। अलहमरा
आर्ट्स काउंसिल एंड पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, सब बड़े इदारे हैं और बिलाशुबा मुमताज़ बेगम डिज़र्व करती हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत खुशलूबी से काम किया है। एक बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने अभी तक मेरे मुआशरे में अपने लेजेंड्स को याद रखने की रिवायत जो है वो मौजूद है। मुमताज़ बेगम फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मुमताज़ नाम है, बहुत सारा काम किया उन्होंने और बड़े वर्सटैलिटी से किया उन्होंने सारे का सारा काम। तो आज ये देखें सराउंडिंग में पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है उनके इस इवेंट में मौजूद है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, इनको बहुत देर में वापसी हुई है। जब फिल्म इंडस्ट्री ने बाहें तो फैलाई हैं लेकिन घेरे में कुछ है नहीं, तो फिर भी वेलकम कहते हैं हम सब जो आज बचे हुए लोग। उस जस्ट एक जेस्चर है, ये एक जेस्चर है, ये तकरीब कोई बेनिफिट नहीं दे सकती, कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक मोहब्बत का जेस्चर है जो सब देंगे यहाँ पे और जो दे चुके हैं। यहाँ आने का मतलब ये है कि सब उनसे मोहब्बत करते हैं, आज भी उनका रिगार्ड करते हैं, तो उस रिगार्ड के लिए हम यहाँ हैं। और जहाँ तक रही मुमताज़ बेगम की बात, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की, बहुत हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। हमारी दुबई चलो, सौरत जुआई, नौकर ते मालिक, दिलां दे सौदे, इतनी फिल्में थी कि लोग हमें अक्सर समझते थे हम दोनों बहनें हैं। मौजूद हैं अल्हम्रा में, यहाँ पर हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो लेजेंड हैं मुमताज़ जी, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आज यहाँ पर लाइव परफॉर्म करूँगी और उनको ट्रिब्यूट दूँगी और अपनी मदर दुर्दाना रहमान साहिबा, इनको भी ट्रिब्यूट होगा क्योंकि उस फिल्म में ये दोनों हीरोइंस थी। और ये जो गाना है जो मैं आज परफॉर्म करने जा रही हूँ, ये मैडम नूर जहाँ जी ने गाया था, रब जाने सानू ते तुम मार सुटिया, और ये इन दोनों पे पिक्चराइज हुआ है। मेरे लिए अहसास है, ये एक मैसेज है जो मोहब्बत का मैसेज है। कायनात मुतासर होकर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, इनके गानों पर मैं बचपन में मैं डांस किया करती थी और गलियों में मैं जैसे ये गाना कहते मेरा दिल भर गाने, इस गाने ने मेरे अंदर जो एक मुझे जब ये गाना मैं सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कुछ कर पाऊंगी या मुझे कुछ करने का जुनून और शौक पैदा होता था। तो मैं यही कहूंगी कि सूरज को चराग दिखाना, आप मुमताज़ बेगम, आप एक सितारा हैं, एक सितारा तो नहीं सूरज है, और हम सब चराग छोटे छोटे से सितारे हैं।